हेलो फ्रेंड्स, मैं डीके हूं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज फिर सैटरडे है दोस्तों, और हम स्वागत करते हैं आपका जीरो टू हीरो श्रृंखला में। और दोस्तों, ये एपिसोड नंबर है 18। हमने काफी लंबी यात्रा तय करके हम एपिसोड नंबर 18 तक पहुंच गए हैं दोस्तों। वैसे तो जीरो टू हीरो श्रृंखला की जो एक इंडिपेंडेंट एंड सेपरेट प्लेलिस्ट है इस चैनल के ऊपर में दोस्तों, उसमें करीब 20 वीडियो हैं, क्योंकि कुछ वीडियो एक्स्ट्रा इंसर्ट किए गए थे। एक वीडियो जो 01 01A करके डिजाइन किया गया था। तो दोस्तों, अभी करीब इस श्रृंखला में 20 वीडियो की श्रृंखला है, और ये सेपरेट प्लेलिस्ट क्रिएट करने का पर्पस और उद्देश्य सिर्फ ये है कि जो भी बिगनर्स हैं या ट्रेडर्स हैं, जो अपने नॉलेज को एनहांस करना चाहते हैं और इन डेप्थ सब्जेक्ट को कंसेप्चुअली समझना चाहते हैं, वो एक सेपरेट प्लेलिस्ट में जाके जीरो टू हीरो श्रृंखला नंबर 1 से शुरुआत करें और स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियो को मल्टीपल टाइम्स देखें, ताकि वो कंसेप्चुअली क्लियर हो सके। दोस्तों, पिछले कई एपिसोड से हम चार्ट पैटर्न्स या प्राइस पैटर्न्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने रिवर्सल प्राइस पैटर्न्स की बात की, कंटिन्यूएशन पैटर्न्स की बात की, बायलैटरल पैटर्न्स की बात की। और उसमें दोस्तों, कंटिन्यूएशन पैटर्न में कप एंड हैंडल करके जो पैटर्न है वो अभी हमने कवर नहीं किया है। दोस्तों, कप एंड हैंडल का टारगेट निकालने का जो ऑब्जेक्टिव है वो मोर और लेस राउंडिंग बॉटम के ही अनुसार निकलता है दोस्तों। अब दोस्तों, वो इम्पोर्टेंट इसीलिए है कि इस कप में हैंडल जैसा फॉर्मेशन होता है, जो कुछ नहीं कंसोलिडेशन बैंड होता है, और उस कंसोलिडेशन बैंड में ये बहुत मुख्यतः इम्पोर्टेंट है दोस्तों समझना, कि वो बैंड जो कंसोलिडेशन है उसमें बहुत डीपर करेक्शन नहीं होना चाहिए। और उसको असेस करने के लिए दोस्तों हमें एक टूल की आवश्यकता है। तो इसीलिए दोस्तों, हम उस प्राइस पैटर्न को आगे आने वाले सीरीज में कवर करेंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है और वो शायद एक आधे घंटे के टॉपिक में वो कवर हो जाएगा एग्जांपल्स के साथ में। तो किसी अलग श्रृंखला में उसे हम कवर कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों ये टॉपिक जो आज हमने चुना है वो इम्पोर्टेंट है, जिसका उपयोग शायद कप एंड हैंडल पैटर्न में भी हमें करने की आवश्यकता पड़ सकती है दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम नए सेशन के साथ, नए टॉपिक के साथ 8 PM जीरो टू हीरो सैटरडे श्रृंखला में लेके आए हैं दोस्तों, और वो है फिबोनाची सीक्वेंस। अब इसे सीक्वेंस बोले, सीरीज बोले, नंबर्स बोले, दोस्तों ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स की तरफ जा रहे हैं, मैथ्स की तरफ जा रहे हैं, और उस मैथ्स के मैजिक को समझने की कोशिश करेंगे, जिसका एप्लीकेशन ट्रेडिंग में अगर हम कंबाइन करते हैं अपने ओवरऑल एनालिसिस में, तो हमारी एक्यूरेसी मेनी फोल्ड्स बढ़ जाती है दोस्तों। और ये नंबर ऐसे हैं दोस्तों, आज हम इसे कंसेप्चुअली समझेंगे। अधिकतर समय क्या होता है दोस्तों, कि हम जो फिबोनाची से रिलेटेड टूल्स हैं हमारे चार्टिंग सॉफ्टवेयर में, केवल हम उसे खींचना या ड्रॉ करना टूल्स में सॉफ्टवेयर के द्वारा हम सीखते हैं, लेकिन उसके पीछे रैशनल क्या है, उसके पीछे कंसेप्ट क्या है, वो नंबर्स आ कहां से रहे हैं, जब तक दोस्तों ये कंसेप्चुअली हम नहीं समझते हैं, तो दोस्तों कंसेप्चुअल एनालिसिस करने में हम कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज ये सीरीज बेसिकली डेडिकेटेड है कि फिबोनाची रिलेटेड जो सीरीज है, नंबर्स है, सीक्वेंस है, उनके बारे में कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करें। एंड दोस्तों, इन्हें हम डिवाइन नंबर्स भी बोलते हैं। जैसे जैसे आज के सेशन में आगे बढ़ेंगे दोस्तों, क्यों इन्हें डिवाइन नंबर्स बोला जाता है, ये कंसेप्ट एब्सोल्युटली सेशन के एंड तक आपके क्लियर होंगे, और आपको वो कन्विक्शन डेवलप होगा, वो बिलीव डेवलप होगा, कि अगर इन टूल्स का, इन नंबर्स का प्रॉपर तरीके से कंसेप्चुअली अगर हम इस्तेमाल करेंगे, तो हमारी ट्रेडिंग में, टेक्निकल एनालिसिस में एक्यूरेसी काफी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इस सेशन की शुरुआत करते हैं।
दोस्तों सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है हम फिबोनाची सीरीज की तरफ जाएं, क्योंकि वो एक मैथमेटिकल नंबर्स हैं दोस्तों। तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है दोस्तों कि हम मैथमेटिक्स सीखते क्यों हैं, स्कूल डेज में हम मैथ्स को सीखते क्यों हैं। अगर ये सवाल दोस्तों बच्चों से अगर पूछा जाए तो अलग-अलग तरह के जवाब आपको मिलेंगे। कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, इसीलिए मैं मैथ्स लिया है मैंने और उसकी पढ़ाई कर रहा हूं। कुछ बच्चे बोलेंगे कि हमारे पेरेंट्स चाहते थे कि हम मैथ्स लें ताकि हम इंजीनियर बन सकें या और रिलेटेड प्रोफेशंस में जा सकें, साइंटिस्ट बन सकें। तो दोस्तों आपको अलग-अलग तरीके से ये जवाब स्कूल डेज में मिलेंगे, क्योंकि माइंड बहुत ज्यादा मेच्योर्ड नहीं होता है और हम एक रूटीन तरीके से सब्जेक्ट्स को पढ़ाई करते हैं। या कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो बोलेंगे मैथ्स में कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ती है, मेहनत ज्यादा नहीं करनी पड़ती है और मार्क्स बड़े अच्छे आते हैं अगर एक बार कंसेप्ट डेवलप हो गया। तो दोस्तों अलग-अलग तरह के जवाब की संभावनाएं आप रख सकते हैं, लेकिन दोस्तों मुख्यतः समझना यह जरूरी है कि हम जब कोई भी सब्जेक्ट की लर्निंग करते हैं तो बहुत मुख्य दिमाग में यह बात होनी चाहिए कि हम ये सीख क्यों रहे हैं। सो दोस्तों मैथ सीखने का मुख्यतः तीन कारण होते हैं दोस्तों, और तीन कारण जो मुख्यतः होते हैं दोस्तों वो है कि हम कैलकुलेशन करना सीख सकें। अगर हमने बेसिक मैथमेटिक्स भी स्कूल में नहीं पढ़ी होती, प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ी होती, तो हम बेसिकली अगर बाजार में वेजिटेबल्स खरीदने भी जाते, फ्रूट्स खरीदने जाते या कोई भी सामान खरीदने जाते तो हम बेसिकली बेसिक कैलकुलेशन नहीं कर सकते थे कि अगर हमारा बिल 55 रुपए का हुआ है, 55 रुपीज का हुआ है और हमने 100 रुपए दिया तो हमें कितने पैसे वापस मिलने चाहिए। तो एक तो है बेसिक कैलकुलेशन का उद्देश्य, जो एक मुख्यतः कारण है कि हम मैथमेटिक्स सीखते हैं। दूसरा मुख्यतः कारण है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैथ्स का एप्लीकेशन। दोस्तों मैथ्स के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, जिससे भी जितने साइंटिफिक इनोवेशंस हो रहे हैं, हम कंप्यूटराइजेशन देख रहे हैं, हम चंद्रयान भेज रहे हैं, तो ये सारी चीजें एप्लीकेशंस हैं दोस्तों। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंस्पिरेशंस, और ये जो इंपॉर्टेंट एरिया थर्ड एरिया है दोस्तों कि हमें वो इंस्पिरेशन मैथ्स पढ़ने से कुछ लोगों को नहीं आता, वो सब्जेक्ट बोरिंग लगने लगता है। और वो इंस्पिरेशंस इसीलिए नहीं आता है कि हम मैथ्स के को कभी भी कोरिलेट नहीं करते हैं एक्चुअल चीजें जो हमारे अराउंड नेचर में है उससे। तो बेसिकली आप देखा जाए दोस्तों तो मैथ्स जो है एक साइंस ऑफ पैटर्न्स है। ये जितने भी तरह के, अगर हम बेसिक पैटर्न की बात करें तो हमने ज्योमेट्री में स्कूल डेज में पढ़ा था ट्रायंगल एक पैटर्न है, रेक्टेंगल एक पैटर्न है। अभी हमने इवन टेक्निकल एनालिसिस में 0 to 0 श्रृंखला में सीखा राइजिंग वेजेस, फॉलिंग वेजेस, ये सारे पैटर्न्स हैं दोस्तों जो हम एक डेटा पॉइंट्स को ज्वाइन करके, अगर हम ट्रेंड लाइन को भी ज्वाइन कर रहे हैं दोस्तों ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए या रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए या वेजेस को ड्रॉ करने के लिए, तो कहीं ना कहीं हम डेटा को ज्वाइन कर रहे हैं, उस नंबर्स को ज्वाइन करके उस पैटर्न को फॉर्म कर रहे हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि मैथ्स जो है एक साइंस ऑफ पैटर्न्स है, अगर उसको ब्रॉडर तरीके से समझा जाए, और इसको मुख्यतः हम सीखते हैं ताकि हम कैलकुलेशन कर सके, उसको अप्लाई कर सके। और दोस्तों थर्ड एंगल, जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे कि दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि मैथ्स के कुछ रूल्स नेचर में इस तरह से उपलब्ध है कि अगर उन्हें डीपली सोचा जाए, कंसेप्चुअली सोचा जाए, तो देखिए दोस्तों मैथ्स अपने आप में एक साइंस ऑफ नेचर है, साइंस ऑफ पैटर्न्स है, जो हमें रेगुलर तरीके से दिखाई देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम मैथ्स को सीखते हैं तो हमें हेल्प मिलता है कि हमारी थिंकिंग जो है,
हमारे सोचने का जो तरीका है वो लॉजिकल हो सके, वो हम क्रिटिकली चीजों को एनालाइज कर सके एंड दोस्तों हम क्रिएटिव थिंकिंग में जा सके। तो दोस्तों लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिवली थिंकिंग करने में वो हमें मदद कर सके, ये मुख्य कारण है कि हम उसके एप्लीकेशन एस्पेक्ट को समझें और मैथ सीखने में। तो दोस्तों चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इस स्टडीज को कंसेप्चुअली समझते हैं। दोस्तों अक्सर देखा गया है कि अधिकतर स्कूल्स में हम मैथ्स को कोरिलेट करके नहीं सीखते हैं, जो हमारे अराउंड नेचर है उसको कोरिलेट करके हम मैथ्स नहीं सीखते हैं। और यही कारण है दोस्तों कि कई बार बहुत सारे बच्चों में मैथ्स के प्रति वो रुचि नहीं आती है जो आना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये एक साइंस ऑफ पैटर्न्स है। अगर ये साइंस ऑफ पैटर्न्स है और ये नेचुरली अकर होने वाली बात है तो हम अपने नॉलेज को लिमिटेड कर देते हैं ज्योमेट्री में, रेक्टेंगल, ट्रायंगल और सर्कल, इतने शेप में हम उसे लिमिटेड कर देते हैं। लेकिन जब हम उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखना चालू करें तो दोस्तों वो कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होंगे और सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा और मैथ्स कभी भी बोरिंग नहीं रह जाएगी। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने का कि आज हम इस सेशन के दौरान बहुत सारे स्कूलों में दोस्तों फिबोनाची जो मैथमेटिकल नंबर्स हैं, सीरीज हैं, उनके बारे में जिक्र तक नहीं होता है। एटलीस्ट अगर ये फिबोनाची सीरीज के बारे में आप लोगों में से किसी ने अगर इसको स्कूल डेज में या इवन कॉलेज में इसे पढ़ा है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा दोस्तों, बिकॉज बाय एंड लार्ज ये देखा गया है कि फिबोनाची सीरीज जो है या नंबर्स है उसके मैजिक्स के बारे में, उससे डेवलप होने वाले पैटर्न्स के बारे में हम जिक्र नहीं करते हैं स्कूल में एंड कॉलेजेस में या इंस्टीट्यूशंस में जब हम मैथ्स को सीखते हैं। तो दोस्तों ये एक मैथमेटिकल नंबर है और आज हम उस पर फोकस करेंगे ताकि हमारा एप्लीकेशन करने का तरीका ट्रेडिंग के एस्पेक्ट में, टेक्निकल एनालिसिस के एस्पेक्ट में कंसेप्चुअली हम क्लियर हो सके, और तभी चीजों का जब हम अप्लाई करते हैं तो दोस्तों कंसेप्ट लर्निंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो एक रटने वाली बात हो जाती है कि हमने रट लिया और स्कूल कॉलेजेस में नंबर्स पा लिए और अगले कक्षा में, अगले क्लास में हम प्रमोट हो गए, और दोस्तों उससे कुछ उद्देश्य पूरा लाइफ में नहीं होता है, बिकॉज अल्टीमेटली नॉलेज इज इंपॉर्टेंट, नॉट दैट हाउ मेनी मार्क्स आई हैव ऑब्टेन्ड। इफ आई हैव ऑब्टेन्ड द मार्क्स विद अ कंसेप्चुअल लर्निंग, इट्स ग्रेट, इट्स गुड। So, दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और आज हम फिबोनाची सीरीज से रिलेटेड उस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा एप्लीकेशन टेक्निकल एनालिसिस में एंड दोस्तों ट्रेडिंग में एक बहुत इफेक्टिव तरीके से हम इसे इस्तेमाल करना सीख सके। तो दोस्तों पहले हम थोड़ी सी हिस्ट्री जानते हैं और इसके इतिहास को जानते हैं कि जो नंबर्स की बातें हम कर रहे हैं, जो एक मैथमेटिकल सीरीज है, इस नंबर का इतिहास क्या है। दोस्तों इसका ओरिजिन जो है, इसका ओरिजिन बहुत पहले जाता है, सदियों पहले जाता है दोस्तों, और इसकी शुरुआत हुई है हमारे देश भारत में दोस्तों। और एक इंडियन मैथमेटिशियन थे एंशियंट जमाने में, आचार्य पिंगल, 200 बीसी में दोस्तों, 200 बीसी में इसके बारे में उन्होंने एक्सप्रेस किया था। तो इसका इतिहास बहुत पुराना है दोस्तों, और इसकी दुनिया को यह देन है हमारे देश ने दी है, भारत ने दी है दोस्तों। आप चाहे तो इसको नेट में जाके, विकिपीडिया में और अदर जगह पे ढूंढ सकते हैं और फर्दर स्टडीज कर सकते हैं दोस्तों, बहुत कुछ मैटर इस पे इंटरनेट पे उपलब्ध है। एंड दोस्तों इसके बारे में भारत मुनि ने भी एक्सप्रेस किया अपने नॉलेज को इस सीक्वेंस से रिलेटेड नाट्य शास्त्र में, और जो 100 बीसी के आसपास में इसका जिक्र किया गया दोस्तों। तो इतिहास बहुत पुराना है दोस्तों, और शायद ये धीरे धीरे दोस्तों जिसका जन्म हमारे देश में हुआ, जिसका कंसेप्ट नॉलेज दुनिया को एक्सप्रेस किया गया हमारे देश के द्वारा,
वो हम स्कूल डेज में इस पे कहीं ना कहीं फोकस करने में मिस कर गए और हम अपनी स्टडीज में इसको नॉर्मली बहुत कम स्कूलों में इसके ऊपर में फोकस किया जाता है दोस्तों। एंड फाइनली दोस्तों वेस्टर्न वर्ल्ड को 1202 में लियोनार्डो फिबोनाची ने इसको वेस्टर्न वर्ल्ड को इंट्रोड्यूस किया और यही कारण है दोस्तों इसको हम फिबोनाची सीरीज बोलते हैं या सीक्वेंस बोलते हैं या नंबर्स बोलते हैं दोस्तों। तो इसकी शुरुआत भारत में हुई लेकिन दुनिया को इसने वेस्टर्न वर्ल्ड को खास करके इंट्रोड्यूस किया लियोनार्डो फिबोनाची ने, तो इसीलिए से फिबोनाची सीक्वेंस या सीरीज या नंबर्स कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और इस स्टडीज को कंसेप्चुअली समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम समझते हैं कि फिबोनाची नंबर्स होते क्या हैं और ये किस तरह से डिराइव किए जाते हैं दोस्तों। तो ब्रॉडली अगर हम फिबोनाची नंबर्स की बात करें दोस्तों, तो हम नंबर्स में जाने के पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि सिर्फ दो बेसिक नंबर से ये सीरीज स्टार्ट होती है दोस्तों। और ये नंबर्स हैं दोस्तों जो बहुत सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन के द्वारा निकाले जाते हैं और ये इतने सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जिसके लिए कोई बहुत इन डेप्थ मैथमेटिक्स के नॉलेज की जरूरत नहीं है और ये सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जिसमें प्लस माइनस डिवाइड ये इन सब चीजों का इस्तेमाल किया जाता है जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे भी इसे समझ सकते हैं। अब दोस्तों ये सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो होते हैं इनमें शुरुआत के दो नंबर जो सीरीज है जीरो एंड वन, शून्य और एक, इनसे ये श्रृंखला चालू होती है और इन्हें फिर डिराइव किया जाता है जैसे जैसे ये सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों इसका जिक्र अभी हमने किया और इन्हें हम डिवाइन नंबर्स बोलते हैं दोस्तों। और डिवाइन नंबर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका नेचुरल तरीके से नेचर में हमारे चारों तरफ इनका एप्लीकेशन हमें नजर आता है जो नेचुरल तरीके से हो रहा है। और आप सभी जानते हैं दोस्तों हम और आप भी इस नेचर की उत्पत्ति हैं और इस नेचर के द्वारा निकले गए हैं, तो वो एक जो नेचर की जो एनर्जी है जो फोर्स है वो कहीं ना कहीं अपने आप नेचुरली इन चीजों को क्रिएट कर रही है। और उसके पीछे दोस्तों ये देखा गया है कि फिबोनाची नंबर्स पाए जाते हैं, नेचर में पाए जाते हैं, हमारे शरीर में पाए जाते हैं। और यही कारण है दोस्तों कि जो मार्केट में जब हम इसका अप्लाई करते हैं तो ये क्यों क्लोजली काम करते हैं मार्केट में, जो हमें एनालिसिस करने में मदद करते हैं, उसका मुख्य कारण है दोस्तों कि चार्ट का फॉर्मेशन जो हो रहा है वो प्राइस एक्शन के कारण हो रहा है। और प्राइस एक्शन कौन कर रहे हैं, मार्केट में बायर्स हैं और सेलर्स हैं, उनके इमोशंस काम कर रहे हैं, उनके ग्रीड काम कर रही है, उनका होप काम कर रहा है, उनके फियर काम कर रहे हैं, कई तरह के इमोशंस जो काम कर रहे हैं उस कारण से बाइंग होती है एंड सेलिंग होती है, जिस कारण से जैसे कई बार हम बोलते हैं इमोशनल ड्रिवन डिमांड एंड सप्लाई। और जब ये प्राइस एक्शन हमारे इमोशंस से होते हैं दोस्तों, तो इमोशंस जो है वो एक प्रकार की एनर्जी है। और एक प्रकार की एनर्जी नहीं दोस्तों, ये बहुत पावरफुल एनर्जी है, क्योंकि इमोशनली आदमी बड़े से बड़े एक्शंस ले लेता है। एंड दोस्तों ये जो एनर्जी का फोर्स है वो कहीं ना कहीं नेचर में वो रेगुलरली काम करता है, जैसे जैसे हम अभी आगे बढ़ेंगे इस सेशन में उसे देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों चलिए पहले मैं एक सीरीज को एक आपके स्क्रीन पे मैंने अभी ले आया है, अब इसे गौर से देखें दोस्तों, अब इसके कंसेप्ट को हम समझेंगे। तो दोस्तों इसमें हम पहले समझते हैं कि मैं आपको समझाता हूं कि अगर आप इस नंबर को देखें दोस्तों, तो ये जीरो एंड वन जो बेसिक नंबर है जिसके बारे में हमने यहां जिक्र किया कि इन्हें बेसिक नंबर को इस्तेमाल करते हैं। अब दोस्तों ये जीरो और वन को ऐड करेंगे, इन्हें जोड़ेंगे तो क्या नंबर निकलेगा, वन निकलेगा, इसलिए सीरीज में ये नेक्स्ट नंबर वन आ गया दोस्तों। अब दोस्तों ये पिछले दो नंबर को जोड़ेंगे वन प्लस वन तो क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा दोस्तों। अब
पिछले दो नंबर को जोड़ेंगे 2 + 1 तो क्या आएगा दोस्तों 3 आ जाएगा। अब दोस्तों 3 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा। तो इसका मतलब यह है कि एक फॉर्मूला निकल के आ रहा है, वो फॉर्मूला बहुत सिंपल है कि दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर को जब हम ऐड करते हैं तो अगला नंबर आता है जो फिबोनाची सीरीज का नंबर कहलाता है। तो देखिए 5 + 3 किया गया तो 8 आ गया दोस्तों, 5 + 8 किया 13 आ गया, इस तरह से 21, 34 आ गए। अब इस सीरीज को अगर हम आगे बढ़ाना चाहें तो दोस्तों हम भी क्या करना पड़ेगा, ये सीरीज केवल लिमिटेड है अप टू 34 है। तो दोस्तों अगर हम 21 + 34 करें तो अगला नंबर हमें यहां आएगा 55। अब दोस्तों 55 आ गया तो हम क्या करेंगे, 55 और उसका पिछला नंबर 34, इसे अगर ऐड करेंगे दोस्तों तो 50 + 34 करेंगे तो 89 आ जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों अगर हम 55 और 89 को ऐड करें तो नेक्स्ट नंबर 144 आ जाएगा दोस्तों, और इस तरह से दोस्तों 89 144 को करें तो 233 आ जाएगा, और 144 233 को करें तो दोस्तों 377 आ जाएगा। तो इस तरह से ये श्रृंखला एंडलेसली चल सकती है, केवल हमें दो नंबर्स को कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स को ऐड करते चले जाना है। अब दोस्तों आप याद कीजिए दोस्तों कि हमारे टेक्निकल एनालिसिस के जितने भी वीडियोज हैं अपने इस चैनल के ऊपर में, उसमें जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड सिंपल मूविंग एवरेज का इस्तेमाल किया जाता है वो क्या है दोस्तों, 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 वो फिबोनाची सीरीज है दोस्तों। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 55 50 की जगह 55 तो 55 भी फिबोनाची सीरीज है दोस्तों। 100 की जगह 89 फिबोनाची सीरीज है दोस्तों। एंड 200 ऐसे में जो कॉमनली यूज होता है उसकी जगह 233 जो एक फिबोनाची सीरीज है दोस्तों। तो दोस्तों फिबोनाची सीरीज कहीं ना कहीं नेचर में काम करती है, और अगर चार्ट के ऊपर में ड्रॉ करके देखेंगे तो ये काफी हद तक जो एक मैजिकल मूविंग एवरेजेस इसके ऊपर में सेपरेट सेशन है जीरो टू हीरो श्रृंखला में, काफी डिटेल में उसके बारे में चर्चा की गई है, उस वीडियो को फिर से जाके देखिए दोस्तों। उसमें इन सब नंबर का मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल किया गया है, और मूविंग एवरेजेस एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं, बहुत सारी चीजों के बारे में हमें इंडिकेशंस देते हैं, वो एक डेटम की तरह काम करते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट की तरह काम करते हैं चार्ट पे, ताकि हम ये इन्फर कर सकें कि प्रिवेलिंग ट्रेंड क्या है दोस्तों। तो ट्रेंड एनालिसिस से लेके सपोर्ट रेजिस्टेंस से लेकर बाउंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, इन सब में उनका इस्तेमाल होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये समझना बहुत जरूरी है कि ये फिबोनाची सीरीज जो है ये सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो दो नंबर को ऐड करके आगे के नंबर को डिराइव किए जाते हैं, और इनकी शुरुआत होती है 0-1 से, और ये दो दो नंबर को ऐड करते करते ये श्रृंखला एंडलेसली आगे तक बढ़ सकती है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर हम फिबोनाची नंबर्स जो अभी हमने जस्ट डिस्कस किया कि किस तरह से दो नंबर को ऐड कर करके हम ये सीरीज को तैयार कर सकते हैं जिन्हें हम फिबोनाची सीक्वेंस बोलते हैं या नंबर्स बोलते हैं। अब दोस्तों अगर हम इन सब नंबर्स को इस्तेमाल करते हुए, नंबर्स क्या है दोस्तों, 1 है 2 है 3 है देन 5 है 8 है 13 है 21 है 34 है, दीज आर द नंबर्स। अगर इन नंबर्स को इस्तेमाल करके हम सिंपल ज्योमेट्री के हिसाब से अगर स्क्वायर बनाएं, अगर हम 13 का स्क्वायर बना रहे हैं तो 13/13 का स्क्वायर बनाएं, अगर 3 का बना रहे हैं तो 3/3 का बनाएं, 1 का स्क्वायर बना रहे हैं तो 1/1 का बनाएं। तो अगर हम ये स्क्वायर अलग अलग फिबोनाची नंबर्स का ड्रॉ करें और उनके कॉर्नर्स को ज्वाइन करें दोस्तों, तो हमें एक स्पायरल मिलता है, और यही कारण है दोस्तों इन्हें मैजिकल नंबर्स कहा जाता है, इन्हें डिवाइन नंबर्स कहा जाता है। तो दोस्तों चलिए इसे बहुत सिंपल तरीके से इस पिक्टोरियल डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। अब दोस्तों इसमें आप देखिए कि मैं आपको ड्रॉ करके दिखाने की कोशिश करता हूं कि
ये आप देखिए, ये देखिए वन का स्क्वायर यहां पर खींचा गया है, इसके बाद में थ्री का स्क्वायर खींचा गया है, यहां पर थ्री का स्क्वायर है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। और इस तरह से दोस्तों कई स्क्वायर को यहाँ पे खींच के तैयार किया गया है, अलग अलग फिबोनाची नंबर्स को इस्तेमाल करके। 13 का स्क्वायर है, 21 का स्क्वायर है, 34 का स्क्वायर है। अब दोस्तों इसमें क्या किया गया है, ये सिंपल हर कॉर्नर को ज्वाइन किया गया है दोस्तों। आप ये देखिए, ये वन के कॉर्नर से स्टार्ट करके टू के स्क्वायर के कॉर्नर को ज्वाइन किया है। हम बड़े कॉर्नर में देखते हैं हमने क्या किया है दोस्तों, अपोजिट कॉर्नर को सिंपल ज्वाइन किया है। ये कॉर्नर को आप देखिए दोस्तों, ये जो कॉर्नर है, ये वाला कॉर्नर, इसको नीचे कॉर्नर से यहाँ पे 21 में ड्रॉ किया गया है। तो दोस्तों जब हम इस तरह से कॉर्नर को ड्रॉ करते हैं और इसे सिर्फ इसे ड्रॉ कर देते हैं, तो ये देखिए एक स्पाइरल का शेप बन जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि फिबोनाची नंबर्स एक नेचुरली अकरिंग फिनोमेनन है जो हमारे नेचर में दिखाई देते हैं। और आप दोस्तों देखिए, ये अलग अलग नंबर के स्क्वायर्स बनाए गए हैं और ये स्क्वायर कितने अच्छे से एक दूसरे के साथ में फिट हो गए हैं, कोई ऐसा अब नॉर्मल नहीं है। 8 का स्क्वायर देखिए, तो 8 प्लस 5 को ऐड करेंगे तो 13 का स्क्वायर अपने आप बन जाएगा। अगर 13 और 8 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो 21 का स्क्वायर बन जाएगा। और अगर दोस्तों हम 21 एंड 13 का स्क्वायर को ऐड करेंगे तो 34 का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये सीरीज एंडलेसली इस तरह से हम स्क्वायर्स बना सकते हैं और वो परफेक्टली फिट होते हैं स्क्वायर्स एक दूसरे के साथ, और ये स्पाइरल का शेप जनरेट करते हैं दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस कंसेप्चुअल स्टडीज को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हम समझते हैं कि हमारे चारों तरफ जो नेचर है, जो यूनिवर्स है, या ये धरती है या अर्थ है, ये सारी चीजें नेचर, जो नेचर का हिस्सा है। तो दोस्तों ये नेचर कितना पावरफुल है दोस्तों, और शायद हर मान्यता के लोग किसी इसे भगवान बोलते हैं, कोई अल्लाह बोलता है, कोई जीसस बोलता है। तो दोस्तों ये अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग अल्टीमेटली उस एनर्जी की बात कर रहे हैं जो जिसके बारे में कोई हमारे पास जवाब नहीं है कि इतना ब्यूटीफुल क्रिएशन जो हमारे चारों तरफ दिखाई दे रहा है, परफेक्ट तरीके से नदियां बह रही हैं, परफेक्ट तरीके से माउंटेन्स क्रिएट किए गए हैं। इस धरती की बात करें, यूनिवर्स तो बहुत बड़ा कंसेप्ट है दोस्तों। अगर हम इस धरती की बात करें, हमारे चारों तरफ में प्लांट्स हैं, फ्लावर्स हैं, अलग अलग तरह के लाइफ हैं दोस्तों, अलग अलग तरह के जीव जंतु हैं। तो दोस्तों ये क्रिएशन जो है, ये अपने आप में एक ग्रेटेस्ट थिंग है दोस्तों, और ये हमें आश्चर्यचकित करता है कि ये नेचुरली इतने ब्यूटीफुल तरीके से ये सब चीजें बहुत सिस्टमैटिक तरीके से कैसे अकर कर रही है दोस्तों। और वो अकरेंस का एक नतीजा है कि हम ह्यूमन बीइंग भी इस नेचर का हिस्सा है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए पिक्टोरियली समझते हैं कि ये कितना एक्यूरेट तरीके से नेचर हमारा काम करता है, और इसीलिए दोस्तों ये फिबोनाची नंबर्स को डिवाइन नंबर कहा गया है। अब दोस्तों इस पिक्टोरियल डायग्राम को देखिए, ये सन फ्लावर का, जिसे हम सूरजमुखी हिंदी में बोलते हैं, ये सन फ्लावर का एक डायग्राम में दिखाया गया है आपको दोस्तों। और आप देखिए कि कितना ब्यूटीफुल तरीके से दोस्तों, मैं आपको यहाँ ड्रॉ करके दिखाता हूं, आप अगर इसको गौर से देखें इस पोर्शन को, तो कितना ब्यूटीफुल तरीके से स्पाइरल यहाँ पे बना है दोस्तों। नए नए सीड्स फॉर्मेशन होते हैं, नए नए सेल फॉर्मेशन होते हैं, और एक पर्टिकुलर एंगल से वो टर्न लेते हैं दोस्तों। अब वो पर्टिकुलर एंगल से टर्न लेते हैं तभी इतना खूबसूरत नेचर का क्रिएशन होता है, जिसे हम सनफ्लावर बोल रहे हैं दोस्तों। अगर आप इसकी बात करें दोस्तों, तो स्पाइरल नेचुरली होते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि इंसान इसे बना रहा है। इसका मतलब वो एनर्जी, जो नेचर की एनर्जी का जो फोर्सेस है, वो इतना एक्यूरेट एंड परफेक्ट कैलकुलेशन कर रहा है कि इस तरह के स्पाइरल का फॉर्मेशन हो रहा है। और दोस्तों अगर वो परफेक्ट काम नहीं करेगा तो सनफ्लावर हमेशा अलग अलग टाइप के दिखाई देंगे दोस्तों।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना दोस्तों कि प्लांट्स जो हमें नए नए सेल्स ग्रो होते हैं वो स्पाइरल के रूप में होते हैं और ये एक परफेक्ट टर्न लेते हैं और इसी कारण से स्पाइरल का फॉर्मेशन होता है दोस्तों। अब दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है सोचना कि ये जो टर्न ले रहे हैं और स्पाइरल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो अगर हम प्लांट होते तो हम कितना टर्न लेते दो सेल के बीच में, दो सेल का जो क्रिएशन हुआ उसके बीच में कितना टर्न लेते ताकि ये परफेक्टली एक स्पाइरल का शेप ले सके। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों हम समझते हैं गोल्डन रेशियो के बारे में जो फिबोनाची नंबर्स या सीक्वेंस के द्वारा डिराइव किए जाते हैं। दोस्तों वैसे जीरो टू हीरो श्रृंखला में गोल्डन रेशियो से रिलेटेड एक ब्रीफ टच किया गया था इस पॉइंट को, बट उसमें गोल्डन रेशियो बोलते किसको है केवल इसकी जानकारी दी गई थी। लेकिन ये डिराइव कैसे होते हैं, इनका कैलकुलेशन कैसे होता है, ये आज हम सीखेंगे दोस्तों। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि गोल्डन रेशियो जिनका इस्तेमाल हम ट्रेडिंग में भी करेंगे और जब हम एनालिसिस करेंगे इसका उपयोग होगा दोस्तों। तो दोस्तों गोल्डन रेशियो को समझने के लिए पहले हम फिर से फिबोनाची सीक्वेंस जो अभी हमने सीखा कि किस तरह से डिराइव की जाती है कि दो नंबर को जो कॉन्सिक्यूटिव नंबर है उन्हें ऐड करके अगला नंबर सीरीज का निकाला जाता है। तो दोस्तों ये फिबोनाची सीरीज जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रही है ये दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर को ऐड करके इस तरह की सीरीज हम एंडलेसली बना सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों समझना है हमें कि इसके कैलकुलेशंस के द्वारा इन नंबर्स का इस्तेमाल करते हुए कैसे हम कुछ रेशियो निकाल सकते हैं जो एक मैजिकल रेशियो होते हैं, और यही कारण है दोस्तों उसे गोल्डन रेशियो कहा जाता है। तो दोस्तों आप इन कैलकुलेशन को ध्यान से समझिए, अगर हम पिछले नंबर को से डिवाइड कर दें आगे आने वाले नंबर में, तो फॉर एग्जाम्पल यहां पे अगर स्क्रीन में हम देखें तो हमने पहला क्या किया है दोस्तों, ये 8 से 13 को डिवाइड कर दिया, तो देख दोस्तों क्या फिगर आया, 0.615। अब दोस्तों हम 13 को डिवाइड कर दें 21 से, मतलब पिछले नंबर से मैं डिवाइड कर दे अगले नंबर को, तो दोस्तों क्या फिगर आ गया, पॉइंट पॉइंट 619 आ गया दोस्तों। अब दोस्तों अगला नंबर 21 को डिवाइड कर दे 34 से तो आ गया 0.617, एंड फिर दोस्तों 144 को 233 से डिवाइड कर दें तो 0.618 आ गया। तो दोस्तों आप देखिए कि सारे नंबर को जब हम पिछले नंबर को अगले नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या फिगर आ रहा है, 0.61 एक फिगर आ रहा है, और यही कारण है दोस्तों कि इन्हें हम गोल्डन रेशियो बोलते हैं। दोस्तों 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल जो होता है ये बहुत सिग्निफिकेंट लेवल होता है जो एक हेल्दी करेक्शन माना जाता है मार्केट में। अब दोस्तों ये जब करेक्शन होता है तो जो छोटे टाइम फ्रेम में काम करने वाले हैं उन्हें लगता है ये ट्रेंड का रिवर्सल हो गया है और इसी में वो ट्रैप हो जाते हैं, जबकि वो एक हेल्दी करेक्शन है ना कि ट्रेंड का रिवर्सल है दोस्तों। अब दोस्तों हम इन नंबर को 61.8% या 0.618 ये गोल्डन रेशियो है दोस्तों। अब हम इसे देखते हैं दूसरा कैलकुलेशन कि इन सीरीज को इस्तेमाल करके अगर हम 5 को 13 से डिवाइड करें तो 5 और 13 में क्या है दोस्तों, 5 और 13 के बीच में एक और नंबर है 8, तो हम क्या कर रहे हैं एक अल्टरनेट नंबर में को इस्तेमाल कर रहे हैं, बीच के नंबर को इग्नोर कर रहे हैं। 5 को तब 13 से डिवाइड करते हैं तो फिगर आता है 0.384, और उसी तरीके से अगले सीरीज में हम 8 के बाद 13 है तो 13 को इग्नोर कर देंगे और 8 डिवाइडेड बाय 21 करेंगे तो दोस्तों आ गया 0.381।
इसी तरह से अगर हम देखें 21 को 55 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो 0.382, एंड 89 को 233 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 89 एंड 233 के बीच में 144 एक जो फिबोनाची सीक्वेंस है या सीरीज है या नंबर है उसको इग्नोर कर देंगे और डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.382। तो आपने देखा दोस्तों ये सारे जब हम नंबर्स को इस तरह से कैलकुलेट करते हैं बीच के नंबर को इग्नोर करके पिछले नंबर से अगले नंबर को डिवाइड कर देते हैं तो फिगर आता है 0.38। ये एक इंपॉर्टेंट रिट्रेसमेंट लेवल है। अगेन जब शैलो करेक्शन होता है मार्केट में तो ये रिट्रेसमेंट हॉल्ट करता है दोस्तों 38.2% पे। तो इसे दोस्तों 38.2 के हिसाब से जितने भी दुनिया के चार्टिंग सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, चार्टिंग टूल अवेलेबल है टेक्निकल एनालिसिस के पर्पज से, उन सब में ये स्टैंडर्ड एक डिफॉल्ट रिट्रेसमेंट लेवल होते हैं दोस्तों। अब दोस्तों अगर आप देखें, अगर हम वन में से 0.618 जो गोल्डन रेशियो है इसे माइनस कर दे तो क्या आता है दोस्तों 0.382 आ जाता है दोस्तों, जो हमने अल्टरनेट नंबर से डिवाइड करके निकाला। या दोस्तों आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे देख के कि अगर हम 61.8% अगर कैलकुलेट करके निकालें 61.8 का, तो ये दोनों गोल्डन रेशियो है दोस्तों। तो हमने क्या किया 61.8% ऑफ 61.8% निकाले तो वो फिगर भी 38.2 आता है दोस्तों। तो दोस्तों ये एक मैजिकल नंबर्स हैं जो आप किसी तरीके से कैलकुलेट करें तो ये आपको जानकारी देंगे दोस्तों कि ये एक नंबर्स की तरह किस तरह से ये काम करते हैं कि 61.8% हमने इस्तेमाल किया क्योंकि वो गोल्डन रेशियो है और 61.8% जो गोल्डन रेशियो है उसका परसेंटेज निकाला तो वो 38.2% आ गया। तो दोस्तों इसीलिए टेक्निकल एनालिसिस में 38.2% एंड 61.8% का सबसे बड़ा महत्व है और सिग्निफिकेंस है दोस्तों। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो बाकी फिबोनाची जो रिट्रेसमेंट है वो कैसे डिराइव किए गए हैं उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये मैजिकल नंबर किस तरह से नेचर में भी काम करते हैं और इसीलिए इनका इस्तेमाल टेक्निकल एनालिसिस में भी किया जाता है क्योंकि हम भी नेचर के प्रोडक्ट हैं, हम जो सभी ट्रेडर्स हैं और वही ट्रेडर्स में से कुछ लोग बाई कर रहे हैं कुछ लोग सेल कर रहे हैं और इस प्राइस एक्शन के माध्यम से चार्ट के ऊपर में सारे फॉर्मेशन हो रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने फिबोनाची सीरीज के बारे में, नंबर्स के बारे में जानकारी प्राप्त की और साथ में दोस्तों हमने देखा कि फिबोनाची सीरीज का नेचर के साथ में कितना अच्छा कोरिलेशंस है। हमने खास करके सनफ्लावर के एग्जांपल के बारे में देखा और साथ में फिबोनाची सीरीज से किस तरह से रेशियोज निकलते हैं और जिन्हें हम गोल्डन रेशियो भी बोलते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। अब दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि जो स्पाइरल का फॉर्मेशन हो रहा है, ब्यूटीफुल नेचर में फॉर्मेशन हो रहा है सनफ्लावर में, जो नए सेल्स डेवलप हो रहे हैं, नए सीड आ रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर टर्न में जब तक बिना गैप के वो आगे नहीं बढ़ेंगे तो उनका शेप इतना ब्यूटीफुल नहीं आएगा। और ये सारी चीजें नेचर में अपने आप हो रही हैं, नेचुरली हो रही हैं। तो दोस्तों अगर वो टर्न ना हो और सेल का नए नए सेल्स का फॉर्मेशन हो, सनफ्लावर के सीड्स का फॉर्मेशन नया नया हो, तो दोस्तों वो एक स्ट्रेट लाइन में बनेगा अगर हम हर सेल का फॉर्मेशन अगर देखते हैं तो। तो दोस्तों मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ये एक बहुत सा मिनी सॉफ्टवेयर है जो मैंने सोर्स किया है mathsisfun.com से। और दोस्तों अगर इसमें हम रोटेशन की वैल्यू एक डालें, वन डालें, इसका मतलब वो बनते चले जा रहे हैं, उसमें कोई रोटेशन नहीं है, तो आप देखें दोस्तों किस तरह से ये स्ट्रेट लाइन जैसा फॉर्मेशन होता चला जा रहा है। अब दोस्तों हम इसे 0.1 डालते हैं, हम रैंडम फिगर आपको एक्सप्लेन करने के लिए चूज कर रहे हैं। पॉइंट हमने डाला तो देखिए दोस्तों ये किस तरह का फॉर्मेशन बन गया, बट इसमें वो खूबसूरती और
सुंदरता नहीं आई जो हम सनफ्लावर में देख रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर हम इसे एक रैंडम नंबर लें और इसे हम 0.9 कर दें तो देखिए दोस्तों ये कैसा बन रहा है। अब दोस्तों इस कैलकुलेटर में हम लेंगे गोल्डन रेशियो, और दोस्तों ट्रेडिंग में भी गोल्डन रेशियो का बहुत ज़्यादा उपयोग है। बहुत सारी एनालिसिस आपने चैनल के ऊपर में देखी होगी जहां हमने 61.8% रिट्रेसमेंट की या 38.2% रिट्रेसमेंट की बात की, और एक्सपेंशन में दोस्तों हम लोगों ने बात की 161% 1.61 एक्सपेंशन की। तो दोस्तों ये आगे जाके जीरो टू हीरो श्रृंखला में हम रिट्रेसमेंट से रिलेटेड और एक्सपेंशन से रिलेटेड और कॉम्प्लेक्स करेक्शन से रिलेटेड जब सेशन करेंगे तो उसमें और भी जानकारी लेंगे। लेकिन दोस्तों रोटेशन ईच टाइम कितना होना चाहिए जो नेचर अपने आप कर रहा है, तो चलिए गोल्डन रेशियो डाल के देखते हैं। तो 0.618 ये गोल्डन रेशियो है दोस्तों, हम सब जानते हैं। तो चलिए देखते हैं अब क्या शेप बनता है। अब देखिए दोस्तों शेप कितना क्लोजली एक स्पाइरल का शेप ये ले रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम गोल्डन रेशियो का जो डेरिवेटिव है 0.382 उसे डाल के देखते हैं। तो चलिए गो करते हैं, देखिए दोस्तों कितने अच्छे से स्पाइरल का शेप बना रहा है। अब हम एक्सपेंशन की बात करते हैं एंड 1.618 फिगर डालने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों देखिए कितने अच्छे से स्पाइरल का शेप बना रहा है। तो ये पर्पस एक्सप्लेन करने का दोस्तों कि फिबोनाची रेशियो या टेक्निकल एनालिसिस क्यों काम करती है। दोस्तों काम इसलिए करती है क्योंकि हमारे इन अराउंड नेचर में इनका एप्लीकेशन नजर आता है जो नेचुरली हो रहा है, कोई इंसान इसे नहीं कर रहा है। तो ये ऑटोमेटिकली इस तरह से एनर्जी फ्लो हो रही है जो इस तरह का फॉर्मेशन क्रिएट नेचर में कर रही है। और दोस्तों हम सभी जानते हैं कि ट्रेडिंग टर्मिनल पे जो भी कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हो रहा है, प्राइस एक्शन हो रहे हैं, वो बायर्स एंड सेलर्स जो ह्यूमन बीइंग हैं उनके बायर्स एंड सेलर सेलिंग के एक्शन से, उनके ह्यूमन इमोशन से ये सारे क्रिएशंस हो रहे हैं। और इसीलिए दोस्तों ये ह्यूमन इमोशंस के कारण जो क्रिएट किए गए चीज़ें हैं वो नेचर से कहीं ना कहीं जाके मिलती है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा नेचर कितना पावरफुल है ये अभी हमने देखा कि किस तरह से गोल्डन रेशियो जब हम फिगर डालते हैं तो वो एक सॉफ्टवेयर बहुत सिंपल तरीके से स्पाइरल बना देता है, जो सनफ्लावर के बारे में अभी हमने देखा। लेकिन अगर रैंडम फिगर कुछ डालते हैं तो दोस्तों वो उतना खूबसूरती के साथ में टर्न नहीं लेता है, जो नए नए सेल्स बनते हैं और वो किस सिक्वेंस में आने चाहिए, कितना टर्न उन्हें लेना चाहिए ताकि वो खूबसूरत सनफ्लावर में स्पाइरल हमें दिखाई दे और एक ये बेहतरीन रचना हो नेचर की। तो दोस्तों इस पावरफुल नेचर को और आगे बढ़ाते हुए हम कुछ और ऑब्जर्वेशन करते हैं दोस्तों, जिससे हमारा कन्विक्शन बन सके कि ये फिबोनाची टूल्स का इस्तेमाल क्यों चार्टिंग में किया जाता है, एनालिसिस में इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। एंड दोस्तों ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि शायद आप में से कुछ लोग ने यह ऑब्जर्वेशन हमारे नेचर में किया होगा, और जिन्होंने नहीं किया है तो वो दोस्तों आने वाले दिनों में नेचर में थोड़ा सा आप उसमें ऑब्जर्व कीजिए और आप पाएंगे कि कितने पावरफुल है ये फिबोनाची नंबर्स या सीरीज या सीक्वेंस। तो दोस्तों अगर हम किसी भी फ्लावर के, किसी भी फूल के अगर उसके लीफ को काउंट करें दोस्तों कि उसमें कितने नंबर ऑफ पेटल्स हैं, तो दोस्तों हम पाएंगे कि वो फिबोनाची नंबर्स को कंफर्म करते हैं। पेटल्स में दोस्तों वो फिबोनाची नंबर्स को कंफर्म करते हैं दोस्तों। आप नेचर में जाके अलग अलग फ्लावर को देखिए और उन्हें काउंट करिए, और दोस्तों आप पाएंगे कि
या तो पेटल्स में सिर्फ तीन पेटल्स होंगे, या पांच होंगे, या आठ होंगे, या 13 होंगे। आप ऐसा फ्लावर नहीं ढूंढ पाएंगे शायद जो जिसमें पेटल्स की संख्या जो है दोस्तों 7 हो, जो एक फिबोनाची नंबर नहीं है, या दोस्तों 11 हो, जो फिबोनाची नंबर नहीं है। तो दोस्तों ये एक नेचर में कंफर्म करते हैं कि नंबर ऑफ पेटल्स भी इस फिबोनाची सीरीज को कंफर्म करते हैं। तो नेचर कितना पावरफुल है दोस्तों, जो अपने आप इस तरह से एनर्जी के फ्लो को सिंक्रोनाइज कर रहा है ताकि वो सारी चीजें बड़ी सिस्टमैटिक तरीके से हो रही हैं। और हमने तो ये ऑब्जर्वेशन करके सिर्फ निकाला है दोस्तों, बट ये नेचुरली सदियों से चला आ रहा है। जब फिबोनाची सीरीज के बारे में नहीं पता था तब भी ये चीजें हो रही थी, लेकिन हमने ये जानकारी हासिल की अपने कीन ऑब्जर्वेशन के द्वारा। ह्यूमन बींग ने ये चीज पता लगाया और ये देखा गया दोस्तों कि नेचर में ये कितने अच्छे तरीके से इसे कंफर्म करते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और कुछ जानकारी हासिल करते हैं कि किस तरह से ये हमारे ह्यूमन बॉडी में, हमारे शरीर में, आपके शरीर में ये कंफर्म करते हैं, या एनिमल किंगडम में हम बोले ये कंफर्म करते हैं। यहां तो केवल कुछ एग्जांपल ही लिए जा रहे हैं दोस्तों। आप इसके बारे में स्टडीज करेंगे दोस्तों तो आपको आश्चर्य होगा कि कितने ये मैजिकल नंबर्स हैं, और इन्हीं कारण से इन्हें डिवाइन नंबर्स कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक जितने एग्जाम्पल हमने देखे जिसमें फिबोनाची सीरीज या सीक्वेंस कंफर्म कर रहे हैं, अब उस पावरफुल नेचर्स को आगे बढ़ाते हुए हम सेम श्रृंखला को समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि वो किस तरह से हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में भी कंफर्म करते हैं उस रेशियो को जिसे हम गोल्डन रेशियो बोलते हैं दोस्तों। एंड दोस्तों चलिए पहले पिक्टोरियल डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। हमारा जो हैंड है, जो हमारी भुजा है, उसमें दोस्तों अगर ये आप ध्यान से देखिए दोस्तों फिगर में, जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी फिगर है, जो क्लियर कट दर्शा रहा है कि किस तरह से दोस्तों ये जो रेशियो है वो इस लेंथ को अगर हम मेजर करें, अगर ये 1 है दोस्तों तो ये देखिए दोस्तों 1.618 होगा दोस्तों, जो कंफर्म करता है गोल्डन रेशियो को। हमारे शरीर की बनावट में भी सिर्फ एक भुजा को देखें तो वो रेशियो आपको नजर आएगा। दूसरे पिक्टोरियल डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं और हम अपने फेस की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये फेस को ध्यान से देखिए, अगर हम अपने नाक के, नोज के सेंटर से अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे फेस के ऊपर में, अगर इसका फिगर 1 है दोस्तों तो हेड के टिप से लेकर ये नेक तक की जो दूरी होगी दोस्तों ये गोल्डन रेशियो को कंफर्म करेगी, जो 1.618 होगा दोस्तों। तो दोस्तों आप देखिए कि किस तरीके से हर इंसान का फेस अलग अलग शेप का होता है, लेकिन उसकी जो ये नोज से सेंटर से डिस्टेंस है उसका रेशियो ये मेंटेन होता है दोस्तों। तो दोस्तों कितने आश्चर्य की बात है कि नेचर में वो एनर्जी इस तरह से फ्लो हो रही है कि ये सारे क्रिएशन एक सिस्टमेटिक तरीके से और नेचुरल तरीके से हो रहे हैं, ब्यूटीफुल तरीके से हो रहे हैं दोस्तों। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों पावरफुल नेचर में हम आगे और एग्जांपल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। पर्पस इतने सारे एग्जांपल दिखाने का ये है दोस्तों कि एक कन्विक्शन डेवलप हो सके, यस ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है और इनको अगर प्रॉपर तरीके से हम इस्तेमाल करें तो हमारी ट्रेडिंग में और टेक्निकल एनालिसिस में एक्यूरेसी काफी इंप्रूव हो सकती है। तो दोस्तों इस पिक्टोरियल डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, ये ह्यूमन बॉडी दिखाई गई है। एंड दोस्तों अगर इसमें हम देखें तो हमारे पैर से लेकर हमारी नाभि तक की जो हाइट है, अगर उसे 1 पकड़ते हैं जो भी हाइट आती है, तो अगर हम देखते हैं नाभि से लेके सिर तक, हेड तक के ऊपर की ऊंचाई जो है वो गोल्डन रेशियो को अगेन कंफर्म करती है। और दोस्तों अगर हम अपने हाथ को ऊपर करें तो ये जो एक्सटेंशन होता है हाथ का वो होता है दोस्तों, वो एक डिराइव्ड जो फिनोमेनन है 0.382, इतना आपको एक्सपांशन होता है। तो
ये अब दोस्तों रिट्रेसमेंट के अलावा हम आप एक्सपांशन की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि फिबोनाची टूल्स में हम रिट्रेसमेंट टूल्स को भी इस्तेमाल करते हैं, हम एक्सपांशन या जैसे एक्सटेंशन टूल भी कहा जाता है उसे भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम हेड से लेकर नेक तक देखें और ये पूरी ऊंचाइयों को अगर रेशियो को देखें, ये 23.6% होता है, जो एक अनदर रिट्रेसमेंट लेवल है दोस्तों। अब दोस्तों हम दूसरे एग्जांपल को देखते हैं और ये है दोस्तों हमारे दांत, हमारे टीथ। अब दोस्तों ये टीथ में देखें तो टीथ इस एंड से आगे जो बढ़ती है, स्मॉल स्मॉल साइज उसका बड़ा होता चला जाता है। और दोस्तों अगर वो देखें तो ये क्लासिकल एग्जाम्पल है कि किस तरह से जब हम टारगेट्स निकालते हैं ट्रेडिंग में, फिबोनाची टूल का एक्सटेंशन का इस्तेमाल करके, एक्सपांशन का इस्तेमाल करके, तो वो कुछ नहीं है दोस्तों, फिबोनाची एक्सपांशन। जो रेशियोज हैं वो रेशियो दोस्तों यहाँ हमारे दांत में भी मौजूद है, हमारे टीथ में भी मौजूद है, जो क्लियर कट पिक्चर में दर्शाया गया है कि किस तरह से वो स्लोली एक बढ़ते रहते हैं साइज में और उसके बाद वो फिर ऐसे घटते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम एक और एग्जाम्पल नेचर का लेते हैं, ये पाइन एप्पल है दोस्तों। कभी आप बाजार में जाइएगा, पाइन एप्पल खरीदिएगा, तो दोस्तों आप इस बार काउंट करके देखिएगा कि पाइन एप्पल का जो कवर है, जो शेल है, उसमें दोस्तों अगर वो काउंट कीजिएगा तो आपको या तो 5 काउंट नजर आएगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कीजिएगा, या 8 नजर आएगा, या 13 नजर आएगा। मतलब तात्पर्य कहने का ये है दोस्तों, ये फिबोनाची सीरीज को कंफर्म करते हुए नजर आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको 7 नजर आए, या 6 नजर आए, या 14 नजर आए। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए नेचर कितना पावरफुल है, जो चीजों को सिस्टमेटिक तरीके से क्रिएट कर रहा है, और इसीलिए हम वो ऑलमाइटी बोलते हैं, क्रिएटर बोलते हैं। वो एक एनर्जी जो कॉन्स्टेंटली काम कर रही है, जो सिस्टमेटिक चीजों को क्रिएट कर रही है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट समझना, और इसी से ये कन्वेक्शन डेवलप होगा, और इसीलिए इसे डिवाइन नंबर्स भी कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि गोल्डन रेशियो का इस्तेमाल लोगों के डिजाइन, बड़ी बड़ी कंपनियों के लोगों के डिजाइन करने में भी किया जाता है दोस्तों। एंड इसी कारण से उन लोगों में वो एक सिमिट्री आती है, क्योंकि गोल्डन रेशियो का इस्तेमाल उनमें किया जाता है। कुछ उदाहरण देखेंगे दोस्तों जो आपको दिखाएंगे। पहले पिक्टोरियल डायग्राम में ये टोयोटा कंपनी का दोस्तों लोगो है, और आप देख सकते हैं कि इस डायग्राम में जो स्क्वायर्स दिखाए गए हैं दोस्तों, ये स्क्वायर्स क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं। इसके बैकग्राउंड में देखिए दोस्तों, ये गोल्ड, ये स्क्वायर खींचे गए हैं, और ये स्क्वायर जो है फिबोनाची सीरीज को इस्तेमाल करके खींचे गए हैं, और उसके बाद ये रेशियो है, जो ये ए है दोस्तों और ये बी है, इनका रेशियो अगर आप देखेंगे दोस्तों तो ये गोल्डन रेशियो को कंफर्म करता है, जो यहाँ कैलकुलेशन दिखाया गया है। अब दोस्तों हम एप्पल, जो हम आईफोन बनाने वाली कंपनी है, एप्पल का भी लोगो देखें दोस्तों, तो ये दर्शाया गया है पिक्टोरियल डायग्राम में कि ए एंड बी का जो रेशियो है वो दोस्तों गोल्डन रेशियो को कंफर्म करता है। अनदर लोगो साइड में दिखाया गया है दोस्तों, वो है नेशनल ज्योग्राफिक चैनल का, जो सिंपल एक स्क्वायर है दोस्तों, और वो ए और बी का रेशियो अगर देखेंगे दोस्तों तो वो स्क्वायर इस तरह से बनाया गया है दोस्तों, जो गोल्डन रेशियो को कंफर्म करता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों अभी तक के जितने भी एग्जाम्पल्स थे, उदाहरण थे, उनमें हमने प्लांट्स के बारे में देखा, फ्लावर्स के बारे में देखा, सनफ्लावर में देखा एप्लीकेशन, लोगों के ऊपर में देखा, अपने ह्यूमन बॉडी के ऊपर में देखा कि किस तरह से गोल्डन रेशियो कंफर्म करते हैं, फिबोनाची सीरीज कंफर्म करती है। अब दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया में कि हम म्यूजिक जो सुनते हैं, वो म्यूजिक सुनने में हमें अच्छे क्यों लगते हैं। हमें म्यूजिक अगर अधिकतर लोगों को दोस्तों म्यूजिक से लव होता है, प्यार होता है, तो दोस्तों हम अब जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि दोस्तों
फिबोनाची नंबर्स का इस्तेमाल म्यूजिकल स्केल में भी किया जाता है दोस्तों, और इसी कारण से दोस्तों ये इतने खूबसूरत सुनने में महसूस होते हैं और हमें बहुत आनंद आता है, वी फील ब्लिस्ड आउट ऑफ इट। एंड फ्रेंड, ये एक छोटा सा वीडियो 2 मिनट का मैं आपको दिखाऊंगा जो मैंने सोर्स किया है astrosound.org से, जो आपके कंसेप्ट को क्लियर करेगा। ये 2 मिनट का सिर्फ वीडियो है दोस्तों, इसे ध्यान से देखिएगा। अब हम प्राइस चार्ट के ऊपर में समझते हैं दोस्तों कि चार्टिंग टूल्स जो होते हैं, जो स्टैंडर्ड चार्टिंग टूल्स होते हैं, उसमें गोल्डन रेशियो के अलावा, क्योंकि गोल्डन रेशियो तो सिर्फ दोस्तों 61.8% है, तो गोल्डन रेशियो के अलावा बाकी जो रिट्रेसमेंट लेवल स्टैंडर्ड चार्टिंग सॉफ्टवेयर में होते हैं, उन्हें डिराइव कैसे किया जाता है, तो इसे हम कंसेप्चुअली समझने की कोशिश करते हैं। ये कोई एक रैंडम नंबर नहीं है जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल में उपलब्ध है या फिर फिबोनाची एक्सपेंशन टूल में या एक्सटेंशन टूल में उपलब्ध है। इन्हें डिराइव किया गया है और डिराइव करने के लिए इस्तेमाल किया गया है गोल्डन रेशियो को दोस्तों। तो दोस्तों एक एक पिक्टोरियल डायग्राम से समझते हैं। ये एक प्राइस चार्ट है जिसमें आप देख सकते हैं कि रिट्रेसमेंट खींचे गए हैं और दर्शाए गए हैं। अब दोस्तों ये रिट्रेसमेंट अलग अलग प्रकार के हैं, और जैसा हमने बोला कि बाकी रिट्रेसमेंट लेवल जो है वो गोल्डन रेशियो का इस्तेमाल करके उन्हें कैलकुलेट करके दर्शाया गया है, और इसीलिए हम उसे बोल सकते हैं कि वो गोल्डन रेशियो के डेरिवेटिव्स है। तो दोस्तों गोल्डन रेशियो क्या है, तो 61.8% तो गोल्डन रेशियो है, वो कैसे निकले हैं फिबोनाची सीरीज से या सीक्वेंस के माध्यम से, उन्हें अभी हमने सीखा दोस्तों। अब दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि ये सीक्वेंस के तहत आप देखिए, एक लेवल होता है 23.6%, कोई भी स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर में आप रिट्रेसमेंट ड्रॉ करेंगे तो आपको 23.6% मिलेगा, फिर मिलेगा दोस्तों 38.2%, और उसके बाद दोस्तों मिलेगा 50%। तो दोस्तों केवल एक 50% लेवल जो है वो फिबोनाची से रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो 50% का रेलेवेंस इसीलिए आ जाता है कि टोटल जो इंपल्सिव वेव है, अगर अपट्रेंडिंग मार्केट है तो राइजिंग वेव इंपल्सिव वेव होगी क्योंकि उसका साइज बड़ा होगा,
और अगर डाउन ट्रेंडिंग मार्केट है दोस्तों, तो इंपल्सिव वेव जो डाउन साइड में बनेगी, फॉलिंग जो बनेगी इंपल्सिव वेव, वो बड़ी होगी। तो दोस्तों इंपल्सिव वेव का वो सेंटर है, 50% लेवल है, तो उसे वो फिबोनाची टूल में या रिट्रेसमेंट में इनकॉर्पोरेट किया गया है। बट 50% एक एक्सेप्शन है जो स्टैंडर्ड चार्टिंग टूल में है, जो फिबोनाची का हिस्सा नहीं है। अब दोस्तों 50% के बाद में आता है दोस्तों 61.8% जो गोल्डन रेशियो है, और उसके बाद में एक लेवल है जो दोस्तों 78.6% लेवल है दोस्तों। तो ये दोस्तों इन सारे रिट्रेसमेंट का इस चैनल में बहुत सारी एनालिसिस की गई है। आज की डेट में 250 वीडियोस इस चैनल पर उपलब्ध हैं, और कई प्राइस एक्शन एनालिसिस स्टॉक आइडिया के तहत, शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी के तहत, ट्रेड आइडिया के तहत, कमोडिटी करेंसी, इन सब में इन टूल्स का इस्तेमाल किया गया है दोस्तों, और कई बार इनके बारे में डिस्कस किया गया है। तो दोस्तों अब हम समझते हैं कि गोल्डन रेशियो को इस्तेमाल करके ये बाकी जो रिट्रेसमेंट लेवल है 23.6% या 38.2% या 78.6%, ये कैसे डिराइव किए गए हैं। तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों 38.2%, जिसको अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, 38.2% को निकाला गया है 61.8% परसेंट ऑफ 61.8, मतलब जो गोल्डन रेशियो है, और गोल्डन रेशियो का ही परसेंटेज हम निकाल लें तो वो आ जाता है 38.2। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल हो गया दोस्तों। और दोस्तों अब 38.2% आ गया, तो अगर हम 38.2% 61.8% का निकाले, 61.8 का निकाले जो कि गोल्डन रेशियो है, तो आ जाएगा 23.6। तो ये एक रिट्रेसमेंट लेवल हो गया दोस्तों। तो जितने भी शैलो करेक्शन होते हैं, क्योंकि मार्केट हम सभी जानते हैं दोस्तों, स्ट्रेट लाइन में ना ऊपर जाता है ना स्ट्रेट लाइन में नीचे गिरता है, उसमें पुल बैक होगा, रिट्रेसमेंट होगा, करेक्शंस होंगे, तो ये प्रक्रिया जारी रहती है, वेव फॉर्मेशंस होते रहते हैं मार्केट में। तो जब शैलो करेक्शन होता है तो वो रिट्रेसमेंट 23.6% से लेकर 38.2% लेवल पे आके कहीं हॉल्ट करता है। और जब हम हेल्दी करेक्शन की बात करते हैं तो वो 50% से लेके गोल्डन रेशियो 61.8% तक जाता है दोस्तों। और कई बार दोस्तों एक डीपर करेक्शन होता है और आप देखेंगे 78.6% का भी बहुत बड़ा रेलेवेंस है दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस में। और इसे कैसे निकाला जाता है दोस्तों, इसे निकाला जाता है अगर हम स्क्वायर रूट निकाले दोस्तों 61.8 का, तो वो आ जाएगा 78.6% दोस्तों। आप कैलकुलेटर पे करके देखिएगा इन सबको कैलकुलेशंस। तो सारे के सारे रेशियो जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट में लेवल्स दिखाए गए हैं, तो ये लेवल्स दोस्तों निकाले गए हैं गोल्डन रेशियो का इस्तेमाल करके। तो ये सारे लेवल जो हैं वो गोल्डन रेशियो के डेरिवेटिव्स हैं। अब दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 78.6% जब बहुत डीपर करेक्शन होता है लेकिन पिछले इंपल्सिव वेव के लो को नहीं तोड़ता है, मींस लोअर लोस का फॉर्मेशन नहीं होता है अप ट्रेंडिंग मार्केट में, और वहां से वो रिट्रेसमेंट लेने के बाद रिवर्सल इंडिकेट करता है। तो दोस्तों ये जितने भी रिट्रेसमेंट लेवल है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी काम करते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम समझते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल्स जो है या एक्सपेंशन टूल्स हैं, इनका इस्तेमाल करने के लिमिटेशंस क्या हैं। दोस्तों कभी भी एक अच्छे तरीके से टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए केवल फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, ये इंडिपेंडेंट तरीके से केवल इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं दोस्तों। इसीलिए मैंने बार बार बोला कि जीरो टू हीरो श्रृंखला में हर वो वीडियो जिसमें हमने लर्निंग की है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम सारी स्टडीज को कंबाइन करना नहीं सीखते हैं तब तक हमारी एक्यूरेसी इंप्रूव नहीं होगी, और एक्यूरेसी अगर इंप्रूव नहीं होगी तो हमारे ट्रेडिंग के डिसीजंस गलत होने की संभावना हो जाती है।
हम कितना भी एक्यूरेसी के साथ करें, कुछ ट्रेड तो गलत होंगे, और इसीलिए दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पोजीशन साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो दोस्तों ये लिमिटेशंस क्या है, इसीलिए दोस्तों फिबोनाची टूल्स का इस्तेमाल इन कंजंक्शन विद अदर स्टडीज किया जाता है। जब टेक्निकल एनालिसिस की होलिस्टिक अप्रोच हम अडॉप्ट करते हैं तो दोस्तों इन्हें इस्तेमाल किया जाता है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को या एक्सपेंशन टूल को या एक्सटेंशन टूल को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अदर स्टडीज से कंबाइन करके। तो दोस्तों अगर कोई प्राइस में रिट्रेसमेंट हुआ गोल्डन रेशियो तक, और वहां पर रिट्रेसमेंट होने के बाद एक बुलिश कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हुआ, तो ये पहला इंडिकेशन है कि शायद यहां से ये करेक्शन समाप्त हो चुका है और अब ये ओरिजिनल ट्रेंड रिज्यूम होने वाला है, जो ओवरऑल प्रिवेलिंग ट्रेंड अप ट्रेंड है। लेकिन उसको अगर हम प्राइस एक्शन एनालिसिस के हिसाब से डिमांड एंड सप्लाई जोन देखें, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखें, और वो भी उस चीज को कंफर्म कर रहा है, या कोई की मूविंग एवरेजेस है जो वहां पर मीट कर रहा है, या ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें वो मीट कर रही है, तो ये कन्फ्लुएंसिंग पॉइंट को निकालना बहुत जरूरी है। और जब हम इन कन्फ्लुएंसिंग पॉइंट के साथ में फिबोनाची रिट्रेसमेंट को कंबाइन करते हैं, तब एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड को आइडेंटिफाई करने में सफल होते हैं। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना दोस्तों, कि टेक्निकल एनालिसिस में हम सारी स्टडीज को कंसेप्चुअली क्लियर हो, और इसीलिए आपसे अनुरोध किया जाता है कि अगर आप अच्छे टेक्निकल एनालिस्ट बनना चाहते हैं, आप अच्छे एक ट्रेडर बनना चाहते हैं, और आप सही तरीके से एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाने का वो कॉम्पिटेंस हासिल करना चाहते हैं, तो दोस्तों जीरो टू जीरो श्रृंखला में जितने भी वीडियोस हैं प्लेलिस्ट में सेपरेटली, उन्हें बार बार देखिए, और कम से कम दोस्तों हर ट्रेडर को जो सिंसियर तरीके से सीखना चाहता है कम से कम 3 बार बिना स्किप किए बिना फास्ट फॉरवर्ड किए देखना अत्यंत आवश्यक है, टू बी अ सक्सेसफुल एंड कॉम्पिटेंट टेक्निकल एनालिस्ट एंड अ कॉम्पिटेंट एंड सक्सेसफुल प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडर, जहां पे कंसिस्टेंट प्रॉफिट जनरेट करने की संभावना आप में प्रबल हो सके और आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सके दोस्तों। तो दोस्तों अगर जीरो टू हीरो श्रृंखला का ये नया एपिसोड आपको पसंद आया है दोस्तों, तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा, हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, एंड दोस्तों अपने फ्रेंड सर्कल में, जानकार लोगों के बीच में, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना इसे ना भूलें दोस्तों, ताकि दूसरे लोगों को भी इस एजुकेशनल सीरीज का फायदा हो सके, और वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बन सके दोस्तों। एंड दोस्तों अगर आप चैनल को वॉच कर रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपके राइट साइड में राइट कॉर्नर पे एक सब्सक्राइब बटन है, उसे क्लिक करें और इस परिवार का हिस्सा बने दोस्तों। एंड दोस्तों आप सभी जानते हैं कि केवल सब्सक्राइब करने से उद्देश्य पूरा नहीं होगा, पर्पस पूरा नहीं होगा, आपको दोस्तों बेल आइकन को भी एनेबल करना होगा सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल सके और आप कोई भी वीडियो इस चैनल पे मिस ना करें। देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे दोस्तों।